हम अपनी 0 to 1 बुक सीरीज को शुरू रखते हैं। आज बात करते हैं फाउंडेशंस के बारे में। पीटर एक बात हमेशा कहते हैं जिसे उनके लोगों ने थिल स्लो कहना शुरू कर दिया है। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी फाउंडेशन शुरू से ही खराब हो जाए उसे ठीक करना बहुत कठिन है। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हो तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज है कि आप शुरू में हर चीज को परफेक्ट रखें, क्योंकि एक खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनीज नहीं बनती। एक को फाउंडर को चूज करना एक शादी की तरह है और आपका आपके पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डिवोर्स की तरह है। पीटर बताते हैं कि लुक जो कि पेपल में पीटर के को फाउंडर थे एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे, लेकिन पेपल बनने से पहले लुक ने किसी और के साथ एक स्टार्टअप खोला था जिसमें पीटर ने इन्वेस्ट किया था। लुक और लुक के को फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी जिसकी वजह से लुक की कंपनी बंद हो गई और पीटर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। इसलिए पीटर कहते हैं कि मैं जब भी अब किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि कंपनी के फाउंडर में कितनी बॉन्डिंग है। पीटर कहते हैं कि आप जिसको भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करें तो कोशिश करें कि वो फुल टाइम आपके साथ काम कर रहे हों। हो सकता है कि कभी आपको ये रूल तोड़ना पड़े और अकाउंटेंट या लॉयर पार्ट टाइम हायर करने पड़े, बट एज अ जनरल रूल जिस इंसान को आपकी कंपनी से रेगुलर सैलरी ही मिल रही है वो आपके साथ मिसलाइन है। ऐसे लोग आपकी कंपनी का फ्यूचर बनाने में मदद नहीं करेंगे। इवन आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके को फाउंडर सब एक ही जगह पर होने चाहिए हर रोज। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरी तरीके से आपके साथ कमिटेड हो तो आपको उन्हें पूरी तरीके से कंपनसेट करना पड़ेगा। पीटर बताते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन उनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो पीटर उनसे हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि वो खुद को कितनी सैलरी देगा। जिस कंपनी का सीईओ अपने आप को कम सैलरी देता है उस कंपनी के फ्यूचर में सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लो पेइंग सीईओ अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड भी रखता है ये जताने के लिए कि वो अपनी कंपनी के लिए कितना कमिटेड है। स्टार्टअप्स को शुरू में अपने एम्प्लॉयज को हाई सैलरी देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उन्हें कुछ बेटर दे सकते हैं और वो है अपनी कंपनी में ओनरशिप। लेकिन जब भी आप किसी को अपनी कंपनी में इक्विटी दे तो उसे बहुत समझदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर आदमी के पास यूनिक टैलेंट है और उसे उसी के हिसाब से इक्विटी मिलनी चाहिए। अजय रूल, जो लोग शुरू में स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उन्हें ज्यादा इक्विटी मिलती है क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2005 में एक आर्टिस्ट जिसने फेसबुक के ऑफिस को पेंट किया था आज उसकी नेटवर्थ $200 मिलियन है, जबकि एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसने 2010 में फेसबुक ज्वाइन किया था उसकी नेटवर्थ सिर्फ $2 मिलियन है। पीटर बताते हैं कि किसके पास कितनी इक्विटी है ये कंपनी के फाउंडर को सीक्रेट रखना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सभी इक्विटी बता देते हो तो ये खुद की कंपनी में ही न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने जैसा होगा। अगर आप नए प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या कोई उसे खरीदेगा? ज्यादातर लोग सेल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। टेक्निकल लोग एडवर्टाइजिंग को यूजलेस समझते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो काम करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग से उनके डिसीजन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एडवर्टाइजिंग आपको उसी वक्त प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि वो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हम बाद में वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। जो भी स्टार्टअप के फाउंडर इस सिंपल फैक्ट को समझ नहीं पाते वो एंड में बहुत पछताते हैं। नर्स जब भी किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई रियल जॉब नहीं है, क्योंकि सेल्स पर्सन घंटों तक फोन में बातें करते हैं, कस्टमर के साथ हंसता है, उनके साथ हॉलीडेज पर जाता है, लंच करता है, और ये तो कोई सीरियस काम नहीं है। लेकिन यही एक सेल्समैन का आर्ट है कि वो अपने इस आर्ट से सेल्स को आसान बना देता है। जो भी इंजीनियर ये सोचते हैं कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो अपने आप ही बिक जाएगा तो वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। हमें अपना प्रोडक्ट बनाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन का खास ख्याल रखना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट बनाते समय ही सेल्स की स्ट्रेटजी साथ में डिजाइन करनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम अपने अगले पार्ट में देखने वाले हैं कि सेल्स को प्राइस के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरी में कैसे बांटा जा सकता है।